हाय, हम सब गए थे उत्तराखंड अपने घर घूमने के लिए। तो बस सब लोग बैठे हुए थे, दिमाग में आया कि जो आसपास जगह है कहीं अच्छी सी, तो वहाँ चलते हैं घूमने के लिए। तो बस बैठ गए गाड़ी में और निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। हम जा रहे हैं कार्तिक स्वयंवर टेम्पल, जो कि है 6,000 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ पे हमारी गाड़ी थोड़ा सा रुक गई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो हमने गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट दिया। फिर इसके बाद हम ऊपर जाएंगे। और ये देखो, हमारा डॉगी भी हमारे साथ आया था, पर इसने लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया था। गाड़ी में इसको वॉमिट हो गई थी। और भाई, अब लड़कियां आएं और सेल्फी ना कराएं तो हो नहीं सकता, तो मैंने खींची एक सेल्फी। और यहाँ पे इसको थोड़ा, ये भी घूम रहा था, अपना पूरा अपना टेक टाइम ले रहा था, पूरा हवा ववा ले रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे हमारे घर का सबसे छोटा मेंबर बीच सड़क पे खड़ा हुआ था। फिर हम लोग निकल पड़े आगे की ओर। बहुत ज़्यादा ही ऊपर था तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पे पहुँचने के लिए। हम लोग सुबह निकले थे 9 बजे और शाम को हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, और वापस घर पहुँचते पहुँचते तो मैं आपको बता नहीं सकती, पूरा रात ही हो गई थी। हम इतना लेट हो चुके थे। और वहाँ पे नीचे जब गाड़ी रुकती है तो वहाँ से पैदल भी जाना पड़ता है, जो कि है 3.5 किलोमीटर। ये हमने स्टार्टिंग किया यहाँ से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से है 3.5 किलोमीटर। अभी और ऊपर हमें जाना है। तो बस सब फैमिली निकल पड़ी है पैदल पैदल, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा थक रही थी बीच बीच में, तो हम जगह जगह रुक रही भी रहे थे। और यहाँ पे डॉगी भी थोड़ा थक गया था, और अब मम्मी इसको पानी पिला रही, क्योंकि हम इसका कटोरी वगैरह कुछ लाना भूल गए थे। तो बस इसको भी प्यास लग गई, सबको प्यास लग गई थी। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, ऊपर जाते जाते तो हमारी हालत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर लग रहा था। बिल्कुल एकदम सीधी चढ़ाई है ऊपर चढ़ने के बाद। हम लोग जगह जगह रुक रहे थे, जगह जगह बैठ रहे थे, और इसके ड्रामे भी बिल्कुल कंटिन्यू थे जगह जगह। बस इससे कोई चीज़ ना ले ले इसकी, इसको गुस्सा आ जाता है। हम लोग भी बहुत थके हुए थे, ऊपर चढ़ते चढ़ते काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। लेकिन एक बात है कि जो हम नीचे मौसम है, वेदर है, ऊपर का वेदर टोटली डिफरेंट था। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडक थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और नीचे तो इतनी गर्मी लग रही थी। ऊपर पहुँचते पहुँचते हमारा सब मतलब अच्छा हो गया, और जब हम वापस आ रहे थे तो बिल्कुल बारिश ही शुरू हो गई थी। जगह जगह हम लोग बैठ बैठ के गए हैं, और बस जगह जगह हमारे छोटे मेंबर का ड्रामा चला है। और बस बहुत ज़्यादा ऊपर है, जाने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, पर जाना तो है ही। बहुत ज़्यादा ऊपर है वो, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वादियों को एक्सप्लोर, क्योंकि वहाँ से देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फाइनली हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच चुके थे। ये मंदिर का पहला बेल था, लेकिन यहाँ से मंदिर अभी बहुत ज़्यादा दूर था। फिर हम चल पड़े आगे की ओर, बस चलते जा रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि हम कब पहुँचेंगे, फाइनली कब पहुँचेंगे हम, लेकिन बस ऐसा लग रहा था कि कहाँ पर है मंदिर। ये हमारे पीछे जो देख रहे हो आप, ये लोग भी वहाँ से दर्शन करके आ चुके थे। तो बस हम लोग यहाँ पे रुके थे थोड़ा चाय वाय पीने के लिए, फिर हम यहाँ से आगे की ओर निकल गए। और मैं दिखा रही हूँ कि बस वहाँ पे है, ये सेकंड बेल बजी वहाँ पे, जो यहाँ से भी अभी थोड़ा दूर है मंदिर। एंट्री की हमने वहाँ पे कुछ 270 या अप्रॉक्स इतना ही कुछ सीढ़ियाँ हैं, वो भी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो वो हमने शुरू कर दिया भाई चढ़ना। अब मम्मी हमें यहाँ खींच के लाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और यहाँ पे मैंने सारी फैमिली का रिव्यू ले रही थी कि कौन थका है कौन नहीं, तो बस मम्मी और पापा को छोड़ के सब थके हुए थे। उन्होंने भी बोला कि हम नहीं थके हैं। बाकी यहाँ से देखिए, अब हम लोग फाइनली वहाँ पे पहुँच गए थे। तो ये वहाँ का व्यू है, मतलब बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे जो है वो अपने शू वगैरह निकाल के तब ऊपर जाना होता है, तो हमने सारी फैमिली ने यहाँ पे अपने फुटवेयर सारे यहाँ पे निकाल दिए। और वो जो सीढ़ी देख रहे हैं ना आप, यहाँ से चढ़ना होता है, ये 100 सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। तो बस इस बस ये लास्ट टारगेट था मेरा, इसको पार करना, बस फिर मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती। तो मैंने इसे जैसे तैसे इसे भी पार कर ही लिया, और मैं फाइनली वहाँ पहुँच गई जहाँ मुझे पहुँचना था। और ये वहाँ का मैं वेदर आपको बता नहीं सकती, ये महसूस करने पर ही होता है। बस मैंने बेल बजाई, अंदर की ओर एंट्री ली, और वो सामने आप देख रहे हैं वो है कार्तिक स्वामी जी का टेम्पल, जो माता पार्वती के सबसे बड़े बेटे हैं, तो हम उनके दर्शन के लिए गए थे। तो इतनी हाईएस्ट पॉइंट पे ये टेम्पल बना हुआ है कि बस मज़ा ही आ गया दर्शन करके। तो पूरा इतना चलना मलना सफल हो गया, और मैं
अगर हो सकेगा तो मुझ पे उनकी पिक्चर होगी तो भगवान की तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर वहाँ पे, ये मूर्ति वहाँ पे रखी हुई है कार्तिक स्वामी टेम्पल में। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें वहाँ पे घूम के, और मंदिर में दर्शन करने के बाद तो सारी थकान ऐसे चली ही गई थी मोस्टली। फिर हम अपने घर वापस आ गए, और आते आते काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गए थे, रात हो चुकी थी। यहाँ पे थोड़ा ये रिचुअल्स होते हैं वो उसको करना पड़ता है। बाकी हमने बहुत सारी सेल्फीज ली, वीडियोस बनाई, और बस बहुत ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पहली बार मैं इतनी हाई वेस्ट पे हम जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।